लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ बनकर मेरे ऊपर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है और साथ ही साथ में गैस काफी सारा काम भी बढ़ चुका है। लेकिन गैस मुझे सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और भाई मैंने काफी मेहनत करी है भाई चीफ बनने के लिए। और गैस अब मैं पूरे लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ बन चुका हूँ, तो गैस मैं अब जो मर्जी कर सकता हूँ, चाहूँ तो गैस किसी को भी उठा के भाई जेल में डाल सकता हूँ, किसी को भी भाई किडनेप कर सकता हूँ। और इस टाइम गैस रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर ये नशेड़ी वगैरह घूम रहे हैं। मैं चाहूँ तो गैस सबको अंदर कर सकता हूँ। हेलो नसीडी, एक बात बता, आखिरकार रात को तो क्यों घूम रहे? सर जी, सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस ऐसे ही भीख मांगने के लिए जा रहा हूँ। अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रात के 2 बजे तुझे कौन भीख देगा? आप चाहो तो आप भी दे सकते हो। अबे भाग कर रहा है, रुको, ये भागा क्यों? अरे सर मुझे लगा आप जेल में डाल दोगे। गया ये तो ठीक है भाई, अब मैं घर जा रहा हूँ। वैसे ही मैंने काफी सारा काम कर लिया है, पूरा पुलिस स्टेशन का ध्यान रखना। लेट्स गो गैस, फटाफट से अब घर की तरफ निकलता हूँ। चल के गाइस सोऊंगा, बाइक से जाऊं या गाड़ी से? आई थिंक बाइक ही ठीक रहेगी गाइस, कम से कम हवा तो लगेगी मेरे को। पहले गाइस जब मेरी बिल्कुल भी रैंकिंग नहीं थी, उस टाइम गाइस मैं अपने चीफ से भाई काफी ज्यादा डांट खाता था। और तो और गाइस उस टाइम मेरा बिल्कुल भी यार मन नहीं करता था कि भाई मैं पुलिस की जॉब करूं। फिर गाइस मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी, उसके बाद गाइस अब मैं पूरे लॉस सैंटोस का भाई पुलिस चीफ बन चुका हूं। तो गाइस अब मैं जो मर्जी कर सकता हूं, तो भाई मैं चाहूं तो गाइस अब छुट्टी भी ले सकता हूं, क्योंकि गाइस आपको पता है मैं आया था भाई सुबह 9 बजे अपने पुलिस स्टेशन के अंदर और गाइस घर जा रहा हूँ रात के 2 बजे। बताओ भाई इतना काम कौन करता है? मैं करता हूँ गाइस, क्योंकि भाई मैं चीफ जो बन चुका हूँ। लेकिन गाइस अभी मेरे को काफी ज्यादा नींद आ रही है। लेट्स गो भाई, फटाफट से घर चलते हैं। और एक बार ये चेक करो गाइस, रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे भी गाइस पब्लिक को चैन नहीं है भाई लॉस सैंटोस की, सब लोग बाहर घूम रहे हैं। और यार ये रात को भाई इतना ज्यादा फॉग क्यों रहा है? मेरे को गाइस समझ नहीं आ रहा भाई, इतना फॉग कब से होने लग गया भाई रात में? सामने का गाइस ठीक से भाई मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ ठीक है गाइस, घर तो मैं आराम से पहुंच ही जाऊंगा। अच्छा हुआ कि गाइस मैं गाड़ी लेकर नहीं आया, क्योंकि गाइस इस टाइम भाई गाड़ी पे काफी ज्यादा ओस आ जाती है और भाई सामने का कुछ भी नहीं दिखता। और ये चेक करो गाइस, पहुंच गया भाई मैं अपनी सोसाइटी के अंदर। अब फटाफट से भाई बस घर पे पहुंच जाओ। आई थिंक गाइस मेरी सोसाइटी के अंदर इस टाइम भाई कोई भी नहीं होगा दूर दूर तक। नहीं नहीं गाइस, यहाँ पर भी एक बंदा जागा हुआ है भाई, गाड़ी जा तो रही है मेरे सामने से। लेकिन गाइस पूरी की पूरी सोसाइटी सो रही है बस इन 2-4 नमूनों को छोड़ करके। और लो भाई अपनी गली के अंदर भी मैंने एंट्री मार ली है। अब बस घर पे पहुंच के गाइस मैं सो जाऊं और देखता हूं गाइस इस टाइम सिंचन क्या ही कर रहा होगा, क्योंकि जब तक गाइस मैं घर पर नहीं पहुंचता ना, तो सिंचन भाई कभी भी नहीं सोता, हमेशा जागा ही रहता है। ओ ये चेक करो सिंचन, ये रहा। अरे वाह फाइनली फ्रेंगल बे तुम आ गई, देखो फ्रेंगल बे एक नमूने का पकड़ रखा है मैंने तुम्हारे लिए। अबे सिंचन ये कौन है भाई, किसको तूने पकड़ लिया? भाई साहब छोड़ दो हमें, हमारी कोई गलती नहीं है भाई साहब, जबरदस्ती जेल में डाल रखा है। सिंचन क्या करा है इसने, तुम मेरे को बता। अरे फ्रेंगल बे तुमको पता है मैं यहाँ पर मस्त करके सुबह सुबह यार समोसे खा रहा था, उसके बाद फ्रेंगल बे ये आया। सुबह सुबह? सुबह कब सिंचन? क्योंकि 9 बजे तो सिंचन मैं ही घर से निकला था। अरे जब 12 बज रहे थे तो सिंचन तो 12 बजे को भाई सुबह बोलता है क्या? और क्या, क्योंकि मैं 12 बजे सोकर उठा था, तो मेरी बात तो सुनो। जब मैं समोसे खा रहा तो कह रहा कि समोसे खिला दे, मैंने बोला नहीं खिला रहा, तो मेरे को कह रहा है मार मार के नाली में फिट कर दूंगा, तो मैंने फ्रेंगल बे इसको पिंजरे में बंद कर। भाई साहब गलती से निकल गया, फिर हमें जब पता लगा ना कि इनके भैया पुलिस ऑफिस में, तो हमें डर लगा, अंदर क्यों आ रहे हो, अंदर क्यों आ रहे हो? अरे बाप रे मैं और गिर गया गाइस, तेरी हिम्मत कैसे हुई सिंचन को ये बोलने की? बढ़िया करके गाइस एक घूसे में बेहोश हो गया। अरे मुझे पता है फ्रेंगल बे पुलिस वाले का हाथ बहुत तगड़ा होता है, तुमने इसका एक घूसा मारा, एक घूसे में बेहोश हो गया। सुबह तक सिंचन इसको होश आ जाएगा, उसके बाद अपने साथ इसको मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और वहां पर चल के सिंचन तू बताएगा आखिरकार इसके साथ करना क्या है। मैं जा रहा हूँ सिंचन सोने। अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी नींद आ रही है। चलो गाइस सोते हैं भाई फटाफट से। आई थिंक गाइस मेरे को भाई कल ना भाई छुट्टी कर लेनी चाहिए, और छुट्टी कर करके गाइस मेरे को भाई कैसे भी करके गाइस 10 करोड़ का इंतजाम करना है, और 10 करोड़ का इंतजाम करके गाइस अपने लिए भाई 2-2 सुपर कार परचेस करनी है। क्योंकि गाइस जैसा मेरा सपना था कि भाई मैं लॉस सैंटोस का चीफ बनूं, वैसे ही गाइस मेरा सपना है कि भाई मेरे पास सुपर कार की कलेक्शन हो। तो ठीक है गाइस सोते हैं और कल देखता हूं भाई कैसे इंतजाम करूंगा मैं 10 करोड़ का, क्योंकि इस टाइम गाइस मेरा बैंक बैलेंस भाई सिर्फ और सिर्फ 10 लाख का है, 10 लाख का है, 10 करोड़ का नहीं है गाइस। चलो सोते हैं। रात तो गाइस सच में यार मेरे को बहुत अच्छी नींद आई। चलो चलकर देखते हैं यार फ्रेंगल बे जागे या फिर नहीं जागे, और फ्रेंगल बे को मेरे को जगाना है, क्योंकि गाइस डेली मैं ना उनको मैं ही जगाता हूं, क्योंकि गाइस उनको पुलिस स्टेशन जाना होता है। फ्रेंकल भैया तुम अभी तक जागी नहीं, चलो फटाफट से जाग जाओ और पुलिस स्टेशन जाओ। सिंचन मेरे को मत जगा भाई, मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं है। अरे मन नहीं है, लेकिन फ्रेंकल भैया तुमको जाना पड़ेगा वरना चीफ यार तुमको डांटेगा। अबे भूल गया क्या सिंचन, अब पूरा लॉस सैंटोस भाई मेरे ही कंट्रोल में, तो सिंचन तेरे को टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ मैं तो भूल गया था फ्रेंकल भैया, यार अभी तुम 10 दिन पहले ही तो यार लॉस सैंटोस के चीफ बने हो, मैं तो गाइस भूल ही जाता हूँ यार। अब तो गाइस मैं फुल एस में जी सकता हूँ, जहाँ जाके यार किसी में भी थप्पड़ मार सकता हूँ।
और चाहे भाई किसी को भी नाली वाली में गिरा सकता हो। अब इसकी हालत देखते हैं आखिरकार इसको क्या हो गया। हाँ भाई, तू मेरे को नाली में गिराने वाला था। अरे बेटा छोड़ दे, मुझे पता नहीं था तेरा भैया पुलिस में, वरना तो मैं कुछ नहीं कहता। अरे मेरे फ्रेंगल भैया पुलिस के यार कोई नौकर वोकर नहीं है, मेरे फ्रेंगल भैया यार पुलिस चीफ है, तुझे पता नहीं है बेटे तेरे साथ क्या कर सकते हैं। क्या पुलिस चीफ है? अरे बाबरे, अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर जोड़ता हूँ, पैर जोड़ते है। अबे लगता है तेरा दिमागी संतुलन हिल गया है। और गाइज एक बार ये गाड़ी देखो गाइज, आपको पता है परसों गाइज एक बंदा बहुत तेज अपनी यार सुपर कार चला रहा था, तो फ्रेंगल भैया ने क्या करा यार, उसकी गाड़ी छीन ली और यहाँ पर खड़ी कर दी। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई वो अपनी गाड़ी दोबारा हमसे मांगने आ जाए, क्योंकि गाइज अगर वो दोबारा अपनी गाड़ी मांगने आएगा ना तो फ्रेंगल भैया ने बोला है उसे पूरे के पूरे 2 साल की जेल हो जाएगी। तो इसलिए गाइज वो ना डर गया, तो इसलिए भाई अब कभी वो आएगा भी नहीं अपनी गाड़ी मांगने के लिए। मैं तो मस्त करके गाइज अब ये गाड़ी चलाते रहता हूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन फ्रेंगल भैया ने मना करा है कि ये गाड़ी चलानी नहीं है। लेकिन यार हमारे पास और कोई कार है भी तो नहीं जिसको मैं चलाऊं, सिर्फ और सिर्फ गाइज ये एक सुपर कार है जिसको मस्त करके अपनी गली के बाहर तक लाता हूँ, उसके बाद दोबारा गली के अंदर घुसेड़ देता हूँ और फिर अपने घर के बाहर जा करके इसका मैं खड़ी कर देता हूँ। ब्रेक, अरे बाप रे ब्रेक लगी नहीं यार। रात को मेरे को ज्यादा ही तेज नींद आ रही थी क्या? देखना गाइज मैं तो भाई पुलिस के बिना कपड़े चेंज करे भाई सो गया, देखो पुलिस के कपड़ों में, और साथ ही साथ में मैंने भाई कैप तक नहीं उतारी, ऐसी सो गया। हेलो सिंचन, कहाँ है भाई तू? सिंचन का बच्चा आया तो था यार मेरे पास मेरे को उठाने के लिए, लगता है गाइज ऊपर होगा। चलो चल के देखते हैं कल सिंचन ने जिसको पकड़ा था वो भागा या फिर नहीं भागा। हेलो सिंचन। अरे फ्रेंगल भाई यार तुम जाग गए, वो गलती से ठुक गई गाड़ी। गलती से ठुक गई? ओए सिंचन तूने इसको ठोक दिया क्या? नहीं यार, स्क्रैच तो गाइज मेरे को बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। चल सिंचन चल के भाई अपने लिए 2 यार ब्रांड न्यू सुपर कार परचेस करके आते हैं। अरे क्या सच बताओ फ्रेंगल भैया? और क्या सिंचन तू आ फटाफट से। लेकिन मेरा क्या होगा? तू एक काम कर 2 दिन तक यहीं रहे। अरे लेकिन क्यों भाई साहब, आप मुझे 2 दिन तक यहाँ पर क्यों डाल रहे हो? 2 दिन तक तुझे घर के बाहर वाली जेल में रहना है या फिर तुझे पुलिस स्टेशन वाली जेल में रहना है, अब तू खुद डिसाइड कर ले। अगर वहां रहेगा तो तेरे को भाई पिटाई भी पड़े करेगी। अरे नहीं यही यही ठीक हूँ, मैं यही ठीक हूँ। हाँ तो फिर चुपचाप से बैठे रहे। चल सिंचन चलते भाई और अपने लिए भाई 2 सुपर कार परचेस करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को गैस पैसों का इंतजाम करना होगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भाई, तो लेकर कहाँ से आऊँगा मैं सुपर कार? तो मेरे को पैसे लेने के लिए गैस कहाँ जाना होगा? मेरे को जाना होगा गैस सबसे अमीर बंदे के पास, और उसके पास जाकर के गैस मेरे को भाई पैसे मांगने होंगे। मुझे पता है गैस वो मेरे को कभी मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि गैस जब कभी भाई उसका कोई काम आएगा तो गैस उसका अर्जेंट काम भाई मैं निपटा दूंगा और उसके बदले में गैस उससे मैं पैसे ले लेता हूँ। और फ्रेंगल भैया तुमने यार उससे ज्यादा पैसे ले लेना, क्योंकि फ्रेंगल भैया हमको नया घर भी तो लेना है। अब फ्रेंगल भैया मैं इस पुराने वाले घर में नहीं रहने वाला। अरे सिंचन तुझे पता है मैं अभी उससे पूरे 10 करोड़ रुपए मांगूंगा और ज्यादा पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि सिंचन वो भाई कोई मामूली आदमी नहीं है। सिंचन ये ना भाई काफी बड़ा गैंगस्टर है। हाँ सिंचन बहुत बड़ा यार ये माफिया है। अरे तो फिर तुम इसको यार जेल में क्यों नहीं डाल देते? जेल में सिंचन ऐसे लोगों को भाई हम इसलिए नहीं डालते क्योंकि सिंचन पुलिस को भाई यही लोग तो अमीर करते हैं। अब देख ले सिंचन इसके घर पर मैं आया हूँ, अब सिंचन ये भाई मेरे से काफी रिस्पेक्ट से बात करेगा और साथ ही साथ में जितना मैं इससे अमाउंट मांगूंगा सिंचन वो उतना अमाउंट भाई मेरे को दे देगा। अरे तो तुम 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ मांगो ना। 50 करोड़ में मांग तो लूंगा सिंचन, लेकिन इतना पैसा मांगना सिंचन ठीक नहीं है। कहाँ होगा भाई ये, इसका घर भी गैस काफी ज्यादा बड़ा है और तो और इसके घर में भाई बेसमेंट भी है, आई थिंक ये यही होगा। आपको पता है जब पिछली बार गैस इसके घर पर आया था ना तो यहाँ पर इसी लोकेशन पे यही बेसमेंट के अंदर पूरे के पूरे गैस 1000 करोड़ रुपए भाई 1000 करोड़ थे भाई, पूरा का पूरा बेसमेंट भर रखा था। ये रूम तो पूरा खचाखच गोल्ड से भरा था, बंद है इस टाइम, ये लॉक कर रखा है इसने पक्का गैस, अभी भी भाई पैसों से भर रहा होगा वो वाला रूम। हेलो भाई किधर है तू? इसका नाम गैस मैं हमेशा भूल जाता हूँ, यहाँ पर भी नहीं है तो कहाँ पर होगा? चलो सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पर होगा पक्का। यार फ्रेंगल भाई यार इसका घर कितना ज्यादा कूल है यार, मुझे फ्रेंगल भाई यार ऐसा ही घर चाहिए। टेंशन मत ले सिंचन, ऐसा ही घर लेंगे। और तू यहाँ पर गैराज में क्या कर रहा है? इसकी गाड़ी देख रहा हूँ, देखना फ्रेंगल भाई। अरे बाप रे सिंचन ये तो काफी ज्यादा महंगी और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, काफी लग्जरी लग रही है भाई ये कार। ऐसी कार तो गैस मैं भी डिजर्व करता हूँ यार, मेरे पास भी होनी चाहिए। तो चलो गैस जहाँ मैं इससे 10 करोड़ मांग रहा था वहाँ गैस अब मैं इससे मांगूंगा पूरे के पूरे 25 करोड़ रुपए। हाँ गैस 25 करोड़ मांगता हूँ फटाफट से। हेलो 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 किधर है भाई तू किधर है? ये तो आई थिंक मैं वॉशरूम में आ गया। वॉशरूम भी भाई इसका काफी ज्यादा बड़ा है। बेडरूम यहाँ है गैस, बेडरूम ये चेक करो, आ गया मैं बेडरूम में। अरे तुम तो फ्रैंकलिन हो? अरे चीफ भाई साहब कैसे घर पे आना हुआ, बताइए तो हमको क्या सेवा करें? सेवा तो भाई आज तुमको ही हमारी करनी होगी, क्योंकि भाई मेरे को चाहिए काफी सारे पैसे, मुझे काफी नीड है। फटाफट से भाई आप पैसे दो। बोलिए हुकुम करिए, आखिरकार कितना पैसा चाहिए? जितना पैसा बोलोगे उतना पैसा मिलेगा, मेरे को पूरे 25 करोड़ रुपए चाहिए। क्या बोला 25? अरे चीफ सर आपको तो पता ही है काम थोड़ा मंदा चल रहा है, लेकिन हाँ 25 की जगह अगर 15 दे दूं तो? नहीं 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 मेरे को पूरे 25 ही चाहिए भाई। देखो फ्रैंकलिन सर
15 मिल सकते हैं, तो याद रखियो अगली बार जब भी तू मेरे पास किसी भी हेल्प के लिए आएगा तो मैं भी तेरी आधी ही हेल्प करूंगा। अरे तुम तो बुरा मान गए, आपने 25 बोला, हम आपको 30 करोड़ देंगे, वो भी अभी की अभी। ठीक है, फटाफट से 30 करोड़ का इंतजाम करके रखो। वैसे घर काफी बढ़िया है यार तेरा। हाँ, आप जब पिछली बार आए थे जब भी यही बोला। देखा गाइस, 30 करोड़ देने को तैयार हो गया भाई ये मेरे को। और ये है गाइस इसका दूसरा भाई रूम, ये भी यार काफी बढ़िया लग रहा है। क्यों ना गाइस इसका घर ही भाई मैं ले लूं तो कैसा रहेगा। हाँ यार, ये भी काफी बढ़िया है, मेरे को कुछ नहीं करना गाइस, इसको बस जेल में डलवा देना है। उसके बाद गाइस पूरी इसकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा गाइस मैं, क्योंकि एक बार जिससे मैं हाथ मिला लेता हूं तो गाइस उसके साथ गद्दारी नहीं करता। जितना गाइस मैंने अमाउंट मांगा था भाई उतना मेरे को अमाउंट मिल चुका है। और यहाँ पर गाइस अब चार चार भाई पुलिस की कार देख रहे हो। यहाँ पर गाइस चारों कारों में भाई भर भर के पैसा रखा गया है, और पैसा गाइस इस तरीके से रखा गया है कि बाहर से अगर कोई नजर मारे ना गाड़ी में तो उसका गाइस पैसा दिखेगा नहीं। तो ठीक है भाई, तुम तीनों के तीनों को करना क्या है, मेरी गाड़ी को फॉलो करना है और मेरे घर पर आना है पैसा लेके। ठीक है, और वेट, अब कौन कॉल कर रहा है भाई मेरे को, ये तो बैनी है। अरे फ्रैंकलिन, अबे सर बोल सर। अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई, यार तू तो बुरा मान जाता जब मैं तेरे को सन्नी बोलता। देख तेरा बचपन का दोस्त तो तेरे को फ्रैंकलिन बोल सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं वैसे भी मजाक कर रहा था तेरे से, बता आखिरकार हो क्या गया। अरे फ्रैंकलिन, कोई मुसीबत नहीं आई है, बल्कि एक बहुत बड़ी न्यूज लेकर के आया हूँ। तुझे पता है मिलिट्री के पास एक काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हेलीकॉप्टर है, वो भी पूरा का पूरा डायमंड का। अगर एक बार वो चुरा लिया उसके बाद हमको पता है उसे बेचने पर कितना पैसा मिलेगा, पूरे के पूरे भाई 40 करोड़ रुपए। क्या बात कर रहा है, 40 करोड़ रुपए का कोई हेलीकॉप्टर? हाँ हाँ भाई, उसके अंदर काफी ज्यादा महंगे भाई डायमंड लगा हुआ है, और ये न्यूज एकदम रियल है। हाँ हाँ, ये भाई हेलीकॉप्टर के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि भाई ये इतना ज्यादा महंगा बिकेगा। बस फ्रैंकलिन, एक बार वो मिलिट्री का भाई 40 करोड़ का हेलीकॉप्टर चुरा ले उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। लेकिन वो हेलीकॉप्टर कहाँ है भाई? इस टाइम वो हेलीकॉप्टर की लोकेशन मैंने तेरे फोन पर भेज दी है फ्रैंकलिन भाई, बस एक बार वो चुरा ले उसके बाद 10% मुझे मिल जाता तो। चल चल ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। तो ठीक है भाई, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, गाड़ी के अंदर जितना भी पैसा है ये सारा पैसा तुम लेकर जाओगे भाई पुलिस स्टेशन। नहीं सिंचन, पुलिस स्टेशन ले जाना तो ठीक नहीं रहेगा, ये सारा पैसा भाई तुम घर लेके जाओ और मेरे घर पे एकदम सेफ रख देना। उसके बाद आकर के भाई मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा। जल्दी बैठ सिंचन तू गाड़ी में। अरे लेकिन फिंगल भैया, कहीं ऐसा ना हो यार ये सारे का सारा पैसा चोरी कर ले। नहीं सिंचन भाई, ये मेरे खास चेले हैं भाई, ये बिल्कुल भी कुछ करने नहीं वाले। तो सिंचन इस टाइम भाई मेरे को लोकेशन पे जाना है। फोन में गाइस मैंने लोकेशन ओपन कर लिया जो बैनी ने मेरे को सेंड करी है। बहुत बढ़िया गाइस, ये यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन गाइस ये भाई मिलिट्री के अड्डे पर है भाई ये लोकेशन। ओके गाइस नो प्रॉब्लम, मैं जाता हूँ वहाँ पे और जाकर के गाइस इजिली भाई चुराते हैं उस हेलीकॉप्टर को। और चुराते ही गाइस मैं बेच दूंगा, क्योंकि अगर वो हेलीकॉप्टर ज़्यादा देर भाई मैंने अपने पास रखा तो गाइस मैं सेफ नहीं रहूंगा, क्योंकि गाइस मिलिट्री का चीफ काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। और गाइस आप लोग यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ गाइस, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो गाइस जल्दी से जाकर यार वीडियो के लाइक के बटन पे टैप कर दो, और गाइस वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ में गाइस बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। गाइस आज तो भाई सच में मैं अपने लिए काफी ज्यादा टॉय खरीदने वाला हूं, क्योंकि गाइस फ्रैंकल भैया के पास बहुत पैसा है। मैं तो गाइस गाड़ी के अंदर पैसा ही गिन रहा हूं। आई थिंक सिंचन अपनी गाड़ी के अंदर करीबन सिंचन 2 से 3 करोड़ रुपए होंगे। तो गाइस अभी सिंचन और मैं पहुंच चुके हैं भाई अपनी लोकेशन पे। सामने गाइस अपना मिलिट्री बेस है, लेकिन गाइस हमको मिलिट्री बेस के अंदर नहीं जाना, गाइस लोकेशन बता रही है गाइस हमको जस्ट सामने जाते रहना है, उसके बाद गाइस लोकेशन आ जाएगी। अरे लेकिन फ्रैंकल भाई सामने तो मिलिट्री बेस है। रुक सिंचन, गलत आ गए, हमको भाई उस तरफ जाना है, राइट की तरफ। अच्छा यहाँ राइट जाना है क्या? हाँ सिंचन, ये तो रास्ता मिलिट्री बेस की तरफ नहीं जाता ना। ओ वाह सिंचन, सामने तेरे को कुछ दिखाई दे रहा है क्या? अरे फ्रैंकल भाई कुछ डायमंड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी चीज है भाई, ये बहुत बड़ी चीज सिंचन, हेलीकॉप्टर ये। और बाप रे गाइस, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर मैंने तो गाइस फर्स्ट टाइम देखा है भाई अपने लॉस सैंटोस के अंदर, आज से पहले गाइस मैंने कभी भी देखा। और ये कितना यूनिक है सिंचन भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, देखना गाइस भाई ये किस तरीके का हेलीकॉप्टर है। और इसका प्राइस गाइस पूरे का पूरा भाई 40 करोड़ है। होगा गाइस, होगा भाई, सच में काफ़ी अमेजिंग लगा ये मेरे को। आ सिंचन तो फटाफट से बैठ हेलीकॉप्टर के अंदर। अरे लेकिन कोई है तो नहीं? अब ऐसे सिंचन तो क्यों डर रहा है भाई, तेरे साथ तुझे पता है कौन है, पूरे लॉस सैंटोस का पुलिस चीफ है, तो सिंचन तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स गो गाइस, हवा में भी फ्लाई कर लिया है भाई ये हेलीकॉप्टर मैंने। और भाई ये कितना ज़्यादा बड़ा है यार, इसे हम लैंड कहाँ पे कर
करेंगे, क्योंकि सिंचन भाई एकदम से तो भाई इसको कोई भी खरीद नहीं लेगा। खरीदने के लिए सिंचन पहले भाई हमको काफी सारे डीलरों के पास जाना होगा, जब जाकर सिंचन कोई इसको परचेस करेगा। और 40 करोड़ सिंचन काफी ज्यादा अमाउंट होता है। तो गाइस हम इसको कहां पर लैंड करें, अपने टेरेस पर करें क्या? अरे हाँ फ्रेंगिल भाई, और कहीं कर सकते हैं, टेरेस पर नहीं कर सकते सिंचन, क्योंकि वो भाई मेरा घर है। और अगर किसी को पता लग गया ना भाई कि भाई मैंने ये हेलीकॉप्टर चोरी करा है, तो सिंचन काफी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो गाइस इतना बड़ा हेलीकॉप्टर मैंने वहां से उठा तो लिया है, लेकिन लैंड इसे एकदम परफेक्ट जगह पर करना पड़ेगा। आई थिंक गाइस अपनी टेरेस पर ही कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वीट भाई, ये हो क्या रहा है सिंचन इसमें? अरे क्या कर रहे हो फ्रेंगिल भाई? सिंचन मैं कुछ नहीं कर रहा भाई। और अब बाप रे, ब्लास्ट मत हो जाइयो, जल्दी निकल जाए सिंचन भाई बाहर। और ये लो, मैं तो गाइस बाहर निकल गया, साथ ही में सिंचन भी निकल गया। अरे बाप रे गाइस, आज तो बच गए भाई, पता नहीं क्या ही हो जाता अपने साथ। अरे फ्रेंगिल भाई यार, तुम ठीक थे? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सिंचन ये हेलीकॉप्टर में हुआ गया भाई, अचानक से गाइस ये लैंड हो गया और उसके बाद नीचे गिरते ही ब्लास्ट हो गया। भाई साहब सिंचन, अब हमको यहाँ से भाई काफी ज्यादा जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि सिंचन अब तो सिंचन भाई मीडिया में भी न्यूज आने वाली है कि भाई हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया, वो भी मिलिट्री का सबसे महंगा वाला। जल्दी है सिंचन। अरे लेकिन इतना महंगा हेलीकॉप्टर हम यहाँ पर कैसे छोड़ के जा सकते हैं? फ्रेंगिल भाई इसको बेको ना, अब कोई फायदा नहीं है सिंचन इसको बेकने का, क्योंकि सिंचन अब ये हेलीकॉप्टर को सीधा सिंचन यहाँ से मिलिट्री वाले लेकर के जाएंगे अपने अड्डे पर, या फिर सिंचन इसे रिपेयर कराएंगे, जो उन्हें कराना है सिंचन करान दे। लेकिन सिंचन अपना ये मिशन तो भाई बिल्कुल भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। आई थिंक गाइस इसका फ्यूल वगैरह कम हो गया होगा, या फिर पता नहीं गाइस कौन सी इसमें प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से गाइस ये नीचे लैंड हुआ, उसके बाद ब्लास्ट हो गया। चलो भाई सिंचन हम तो फंसे नहीं भाई, फटाफट से अब निकलते हैं सिंचन घर की तरफ, उसके बाद प्लान बनाते हैं भाई आखिरकार हमको अपने 30 करोड़ से क्या क्या परचेस करना है। अरे हाँ, हमारे पास तो अभी 30 करोड़ है, क्योंकि फ्रेंगिल भाई यार उस माफिया से तुम लेकर आए थे ना अभी 30 करोड़ रुपए। और सिंचन भाई अपने यार 2 करोड़ तो उस गाड़ी के अंदर थे ना, जो गाड़ी सिंचन मैंने मिलिट्री बेस पे छोड़ दी। और गाइस भाई अब यार मिलिट्री के चीफ को पता लग जाएगा कि गाइस कोई पुलिस वाला आया था जिसने गाइस वहां से भाई वो हेलीकॉप्टर चुराया। तो सिंचन भाई जल्दी हमको जाना पड़ेगा मिलिट्री बेस दोबारा से, ताकि सिंचन अपनी गाड़ी को भाई हम दोबारा से वहां से लेकर के आ सके। बस सिंचन उस गाड़ी को किसी ने देख ना लिया हो। और ये चेक करो गाइस, फाइनली भाई हम मिलिट्री बेस के जस्ट नीचे पहुंच चुके हैं, ऊपर गाइस मिलिट्री बेस है। हट जाओ भाई, हट जाओ। एक तो गाइस ये गाड़ी भाई काफी अजीब सी है, इससे कोई बेटर गाड़ी होती ना तो गाइस कब का ऐसे वैसे करके भागा भागा के मैं जल्दी पहुंच गया होता। अरे चले 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 फ्रेंगिल भाई, शॉर्टकट ले शॉर्टकट। शॉर्टकट लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिंचन ये चेक कर भाई फाइनली पहुंच गए भाई उस लोकेशन पे जहां से सिंचन हम अंदर गए थे। गाइस बस यार मिलिट्री वालों को पता ना लग गया हो। और ऊपर चेक कर फ्रेंगिल भाई, ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वो हेलीकॉप्टर पक्का हमको देख लेगा यार अंदर आते हुए। तो टेंशन मत ले सिंचन, मैं हूं ना, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। वैसे भी गाइस मेरे पास काफी सारी गन है भाई, अगर कुछ होना सिंचन फायरिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं फटाफट से। वो खड़ी गाइस अपनी गाड़ी। और ये चेक करो गाइस, फाइनली भाई हम पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास। और यहाँ पर गाइस अब तक भाई किसी को पता नहीं लगा हमारे बारे में। तो ये काम पुलिस चीफ के थे, मुझे भी लगा था कि कोई ऐसा वैसा इंसान तो ये काम नहीं कर सकता। अब ये कहां से टपक पड़ा भाई? तो पुलिस चीफ, जा करके मैं अपने मिलिट्री चीफ को बता सकता हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे के पूरे मुझे 25 साल हो गए हैं मिलिट्री में, आज तक मैंने कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करा, ईमानदारी की जॉब करी है, लेकिन अब मैं ईमानदारी की जॉब नहीं करूंगा। देखो ये देखो, अब पता है तुम्हें मैं क्या करूंगा? अरे भाई करना क्या चाहता है तू, जाके मिलिट्री चीफ को बताएगा क्या? अपने चीफ को मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगा इस बारे में। तुम मेरा मुंह बंद कर सकते हो, लेकिन कब? मुंह मेरा बंद होगा जब तुम मेरे मुंह में पैसे डालोगे। अरे तो बताओ यार, एक का सिक्का डालो तुम्हारे मुंह में या 2 का सिक्का? ओ ज्यादा नहीं, मुझे पूरे 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ दो और मेरा मुंह बंद कर दो, नहीं तो मैं अभी जाके सब कुछ चीफ को बता दूंगा। डील मेरे को तेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, अगर तू 1 करोड़ लेना चाहे तो ले, वरना तू जाके तुझे जो करना है तू वो कर। और हाँ मैं भी तो तेरे साथ कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि तू मेरे से पैसे ले रहा है। अरे पुलिस चीफ भाई साहब, डील कर लो हमारे साथ। अरे तो दे तो रहा हूँ, 1 करोड़ तुझे चाहिए नहीं चाहिए? 1 करोड़ का मैं 2 करोड़ दोगे। अब तू एक काम करिए, मेरी पुलिस की गाड़ी तू ही रख ले, इसके अंदर पूरे 2 करोड़ है ठीक है, और साथ ही साथ में गाड़ी भी रख। नहीं नहीं नहीं, तुमको यहाँ से ये गाड़ी लेकर जानी होगी, अगर यहाँ गाड़ी रही तो तुम फंस सकते हो, इसलिए पैसे मैं निकाल लेता हूँ, गाड़ी तुम ले जाओ। जल्दी मेरे को जा करके देखना होगा, पक्का वहाँ पर कोई ना कोई तो वो सबूत छोड़ कर ही गया होगा। आखिरकार किसकी हिम्मत होगी मिलिट्री की हेलीकॉप्टर को चुराने की? ओ वहाँ पर कुछ लोग हैं, वहीं पर ही अपना हेलीकॉप्टर था और वहीं पर कुछ लोग एक काम करता हो, अपने टैंक को यहीं पर खड़ा रहने देता हूँ, जाकर देख
देखना पड़ेगा आखिरकार वहाँ पर वो कौन लोग हैं। मुझे लगता है वहाँ पर पुलिस की गाड़ी और पुलिस वाला भी है। ओ यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। अरे बाप रे गाइस, मिलिट्री चीफ आ गया। तो यहाँ पर पैसे हैं और तू ये ले घूसखोरी कर रहे है, यहाँ पे पैसे ले रहे। तो मैं समझ गया, तूने हेलीकॉप्टर चुराया और तू अब इसको पैसे दे रहा है क्योंकि इसने तुझे यहाँ पर देख लिया होगा। अरे वाह यार, मिलिट्री चीफ का तो दिमाग बहुत तेज है फ्रेंकली भाई, सब कुछ सही बोला है। तो अब बेटे मैं तुझे छोड़ देने वाला क्योंकि मुझे पता है तू कौन है, तू पुलिस का चीफ है ना। अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब नहीं होगा बिल्कुल भी। अरे सर मैं क्या बोला था, अब तो मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होना था, जो मुझे देखना था, वो मैंने देख लिया। अब तुम मेरे साथ चलो और हाँ, तुम मना नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हें अभी की अभी जस्ट गोली मार के यहीं पे खत्म कर सकता हूँ। अरे गोली तो फ्रेंकली भी अभी तुमको मार सकते हैं ना। नहीं नहीं, ये मुझे नहीं मार सकता क्योंकि इसे पता है अगर इसने मिलिट्री चीफ को मार दिया तो इसे उम्र कैद की सजा मिल सकती है, तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पूरी की पूरी परमिशन है कि मैं जब चाहे जिसको चाहे मार सकता हूँ। तो गाइस अभी पूरे के पूरे 2 घंटे बीत चुके हैं और एक बार ये चेक करो गाइस, अभी मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ। गाइस यार मैं मिलिट्री के ऑफिस के अंदर हूँ जहाँ से गाइस पूरा का पूरा मिलिट्री बेस कंट्रोल होता है। और गाइस मेरे साथ इन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा, कहीं आप लोग सोच रहे हो कि गाइस अब मेरे को जेल में डाल दिया जाएगा, मेरी पुलिस की जॉब छीन ली जाएगी। नहीं नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी यार मेरे साथ कुछ होने नहीं वाला क्योंकि भाई मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ गाइस, मैं यार पुलिस चीफ हूँ यार, तो इसलिए ऐसा कुछ होने नहीं वाला। लेकिन हाँ गाइस, मिलिट्री चीफ भाई मेरे से सवाल जवाब करेगा, उसके बाद मेरे को गाइस उसके सवाल जवाब के आंसर देने होंगे। बस इतना ही गाइस कुछ होने वाला है। उसके बाद गाइस अगर प्रेसिडेंट को मेरे बारे में पता लगता है तो उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता गाइस मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन हाँ गाइस, अभी मुझे इतना तो पता है कि गाइस अभी जस्ट 10-15 मिनट में गाइस मैं यहाँ से मिलिट्री बेस से बाहर निकल जाऊँगा और जो चाहे वो कर सकता हूँ। लेकिन भाई प्रेसिडेंट के पास तक बस बात नहीं पहुँचनी चाहिए। वैसे भी गाइस यार बचने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे आइडियाज हैं, तो मुझे लगता है गाइस मैं बच जाऊँगा। और हाँ गाइस यार, अगर आप लोग इस वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो फटाफट से गाइस कमेंट करके बता दो। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकलिन सिंचन आपके भाई, तो यार फटाफट से गाइस दबी के भी यार इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना। और गाइस ये जो आपको स्क्रीन पे 4 वीडियो दिख रही है गाइस, एक वीडियो पे टैप करके देख लो, चारों वीडियो इसी वीडियो तरह काफी इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब गाइस प्यार वाला बाय।